जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए सतगुरु जल्दी बाहर आए। ओ जल्दी बाहर आए बापू जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए बापू जल्दी बाहर आए। पाए न चैना जल्दी बाहर आए। पाए न चैना जल्दी बाहर आए। या कुल नैना पाए न चैना जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए सतगुरु जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए सतगुरु जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए सतगुरु जल्दी बाहर आए। जीवन का फूल खिलता है जैसे सूरज उगता है
समस्त सृष्टि को पोषित करता है, ऊर्जावान बनाता है, सारे वृक्षों की हरियाली, सारे वृक्षों के फूल और फल सभी आपसे शक्तियां पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं। ऐसे ही सदगुरु की नूरानी नजर शिष्य पर पड़ती है, उसका हृदय खिल जाता है, उसे वो शक्ति मिलती है, उसे वो आनंद मिलता है, क्योंकि सदगुरु के ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की नजरों से, सानिध्य से, करुणा से, कृपा से, संकल्प से वो सब होने लगता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही शिष्य पुकार रहे हैं कि गुरुदेव बाहर क्यों नहीं आए, और मन में ये सोच रहे हैं कि हो सकता है गुरुदेव हमारी पुकार में ही कमी है, हमारी पुकार ही शायद आप तक नहीं पहुंच रही, शायद हमारा ही संकल्प मजबूत नहीं है, क्या करें हम, कैसे पुकारें, कब आएंगे। श्रद्धा से, भाव से और गहराई से चिंता करके नहीं पुकारे, चिंतन करते हुए पुकारे, और हमारी भाव भरी प्रार्थना ही, हमारी चिंतन भरी प्रार्थना ही, हमारा भाव पूर्ण संकल्प ही जाए, इसलिए उसी भाव से पुकारे, चिंता नहीं चिंतन करते, चिंता करते भाव, चिंतन करते साथ, हमारी चिंता है, उस सदगुरु को हमारी चिंता है, इसलिए हम चिंता ना करें, हम चिंतन करें, गुरुदेव आपका संकल्प जो भी है, लेकिन हमारा तो संकल्प है, हमें तो वही दीदार चाहिए, वही दर्शन चाहिए, वही प्रेम चाहिए, वही माधुर्य चाहिए, हमें तो रह रहे हैं आपकी वही छवि याद आती है, आपका व्यासपीठ पे विराजना, आपका मंच पे आना, मंचों पे आकर के सबके ऊपर एक नूरानी नजर बिखेरना, उस नजर से सभी का आनंदित हो जाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर सबको हंसाना, कभी आके हंसाते हैं, कभी जाके रुलाते हो, गुरुदेव अपने भक्तों के लिए, लेकिन हम कहाँ जाएं, हम किसे पुकारें, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, और भाव से श्रद्धा से, इसलिए हम भी अपना श्रद्धा, अपना प्रेम, अपना संकल्प और गहराई से करते हुए पुकारें, क्या कुल ने ना पाए न चेना, जल्दी दर्श दिखाए, क्या कुल ने ना पाए न चेना, जल्दी दर्श दिखाए, जल्दी दर्श दिखाए, सदगुरु जल्दी बाहर आए, जल्दी दर्श दिखाए, सतगुरु जल्दी बाहर आए, बाहर आए, बच्चा पुकारे माँ आवाज न सुने, ऐसा हो नहीं सकता, भक्त पुकारे भगवान न सुने, ऐसा हो नहीं सकता, पुकार अवश्य पहुंचती है ईश्वर सदगुरु तक, बड़े ही थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन जब श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से शिष्यों ने पुकारा तो गुरुदेव की कुटिया के द्वार की खिड़की खुली, और खिड़की से अपने हाथ में पहना हुआ गजरा बाहर फेंक दिया गुरुदेव ने, वो गजरा उस शिष्य के गोदी में आकर गिरा, उसने उठाया, माथे से लगाया, और मन ही मन सोचने लगा कि मेरा संदेश, मेरी पुकार गुरुदेव ने सुन ली, अब लगता है जल्दी ही द्वार खुलने वाले हैं, किसी के घर की जाके जाके वेल बजाओ, घंटी बजाओ, भीतर से कोई आवाज नहीं आता तो संदेह होता है ना, लेकिन भले द्वार ना खुले, लेकिन
खिड़की से ही झांक के कोई कह दे या भीतर से आवाज ही आ जाए कि आते हैं थोड़ा ठहरो, ऐसे ही गुरु ने वो गजरा फेंकते शिष्य को लगा कि हाँ अब गुरुदेव तो जल्दी ही बाहर आने वाले। और भाव से और श्रद्धा से और प्रेम से और चिंतन भरे भाव से पुकारने लगे हैं, क्या कुल नैना सुनी है गलिया जल्दी बाहर आओ, क्या कुल नैना सुनी है गलिया जल्दी बाहर आओ, क्या कुल नैना पाए न चेना जल्दी दर्श दिखाओ, क्या कुल नैना पाए न चेना जल्दी दर्श दिखाओ। ओम बापू जल्दी